अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड, कैसे हो आप सब लोग? इंशाल्लाह आप सब ठीक होंगे, मैं भी अच्छे से हूँ। और बस अभी लेटी हुई थी दोपहर में, 3:30 बजे मेरी आँख खुली, तो फिर मैं लेटी रही, सोच क्या करूँ। आज कुछ खाना भी नहीं खाया, खाना खाने का मन भी नहीं हो रहा था। फिर थोड़ा तैयार हुई, मैंने चलो अम्मी के घर पर चलते हैं, आज ना नाश्ता बनाते हैं। मेरा ना नाश्ता अपने बनाने का मन हो रहा है, मेरा क्या मन हो रहा है, साथ का ही मन हो रहा है। जो भी कुछ होता है साथ का ही होता है, तो साथ का मन हो रहा है अपने खाने का, तो मैं कि अकेले क्या ही बनाऊँ, अकेले क्या ही खाऊँ, तो चलो अम्मी के घर पे चलते हैं, वहीं बना लेंगे और अम्मी को भी टेस्ट करा देंगे, तो मैं वहीं जा रही हूँ। अप्पे पैन और कड़ी पत्ता ये ले लेती हूँ, और ये मेरा पर्स तो यहाँ उतार देते हैं, इनको पहन लेती हूँ। आज बेली पहनने का मन नहीं हो रहा है, आज ये पहन लेती हूँ, क्योंकि आज बारिश नहीं हो रही है ना, बारिश में मैं ये वाली ब्लैक वाली बेली है ना, ये पहनती हूँ। फिर मैं आ गई दुकान में अम्मी की, और मैं ले रही हूँ सूजी और दही, पहले मैं भिगा कर रख देती हूँ। और चटनी का तो कुछ पता ही नहीं है, नारियल यहाँ मिलता नहीं है, और मैं वही सोच रही हूँ नारियल कहाँ से मंगाऊँ, तो बिना चटनी के तो कुछ चीज़ खाने में मज़ा आएगी नहीं। मेरा परेश जी, इसको देख लेना ध्यान से फ्रेंड, क्यों बरसात में ज़्यादातर ना कीड़े पड़ जाते हैं। बैटर तैयार कर दिया है, दही सूजी का, और पानी डालूंगी बाद में, हरी मिर्च, कड़ी पत्ता, राई। सूजी में सूजी दही का बैटर जो है वो रेस्ट कर रहा है, तब तक अम्मी गई है चाय बनाने, तो मैं अम्मी को बोल रही थी अम्मी तुम चाय क्यों बनाती हो, तो गर्म पानी ऐसे घोल के पी लिया करो, क्योंकि अम्मी की चाय में और गर्म पानी में कोई ज़्यादा फर्क होता नहीं है। यहाँ पर मुझसे ना एक गलती हो गई थी, मैंने ना इसके अंदर ना जो खाने वाला सोडा आता ना, बेकिंग सोडा, वो नहीं डाला, और मैंने ये डाला ना तो ये पिचक के रह गया। फिर मुझे याद आया, या अल्लाह, मैंने इसके अंदर ना बेकिंग सोडा डाला ही नहीं है। फिर दुकान से बेकिंग सोडा लेके आई, अच्छे से मिलाया, और एक हाथ से डाल देती ना तो प्रॉब्लम हो रही थी। फिर मैंने कैमरा बंद करके सारे अप्पे डाल दिए मैंने, क्योंकि देखो इस तरह से डाल देते, और मैं छोटे छोटे अप्पे बना रही ताकि ज़्यादा बन जाए, बड़े बड़े बनाती तो कम बनते, फिर हिस्से में नहीं आते किसी के। यहाँ पर ना साथ भी था, अम्मी को टेस्ट कराना था, साहिबा को टेस्ट कराना था, अम्मी ने पहली बार ही खाए थे और उनको अच्छे लगे थे, और ये इस तरह से इतनी आसानी से ना अप्पे बनके तैयार भी हो गए थे। लेकिन ये थोड़ा कच्चा था, मैं उसको चेक कर रही थी ना, जब कच्चे होते हैं ना तो चुपके रहते हैं, और जब पक जाते हैं ना तो अपना भी ना छूट जाते हैं, तो इनमें थोड़ा टाइम है। थोड़े से अम्मी को टेस्ट कराती हूँ, अम्मी ने आज तक नहीं खाया, पहली बार खाएंगी। अम्मी टेस्ट करो, चटनी नहीं है, बिना चटनी के टेस्ट कर लेना, मैंने तो बनाई है, खैर तुमने पहली बार खाऊंगी तुम आज। चटनी होती तो बात ही क्या थी, हाँ गर्म तो है, बनाए भी, और छोटे छोटे साइज में बनाए मैंने ताकि ज़्यादा बन जाए। सॉस नहीं, वो होती ना चिंग्स की, वो चटनी खा लेते हैं, टेस्ट करो चलो। ये तो मुकर के बताओ, कौन है मुकर के बता रही हूँ, कैसे बने, सही बने, मुझे की बता रहा, कैमरा देख के सच बताओ, अच्छे बने, और ऐसा लगा तो कैमरा को सोच के खाने, आप पे बोला साथ में पसंद है, जरा बोल रहे हैं गामा। फिर लास्ट में साथ का जब अच्छे से पेट भर गया, तो जब ऐसा होता है ना, माएँ क्या करती हैं, पहले अपने बच्चों को खिला देती हैं, चाहे एक दो बच्चे, जितने भी बच्चे हो, लास्ट में जब बचता है तो उसके बाद ही माएँ खाती हैं बैठ के। तो यहाँ पे दोनों माएँ खा रही हैं, मतलब मेरी माँ और मैं साथ की माँ, तो दोनों माँ बेटी हम लोग लास्ट में टेस्ट कर रहे थे। अम्मी को बहुत पसंद आया, अम्मी पूछ रही थी अच्छे बने, और साथ की भी नज़र थी साथ को, मैंने बोला तू जरा मेरा मोबाइल पकड़, ब्लॉग बना जब तक मैं ये खाती हूँ, तो उसको लग रहा था कि मैं सारे ना खा जाऊँ, क्योंकि वो ऑलरेडी खा चुका था, लेकिन उसको इतने ज़्यादा पसंद है ना फ्रेंड, और यकीन मानना मैं उसके लिए बनाती हूँ। अप्पे का पैन भी मैं लेके आई थी, क्योंकि साथ को बहुत पसंद है, तो कहते हैं जब बच्चे को पसंद होता है तो मुझे बनाने में भी ज़्यादा ही मज़ा आता है। तो यहाँ पर हम लोग बिना चटनी के खा रहे थे, यहाँ पर ना कुछ भी चीज़ ना आसानी से मिलती नहीं है, नारियल वगैरह सबके लिए ना चुंगी वगैरह ही जाना पड़ता है। घर पे आ गई, अब मैं जा रही हूँ वजू करने के लिए, क्योंकि असर की वक्त का असर की नमाज का वक्त हो गया है। वही है, अब जा नमाज रख देते हैं, मगरिब के टाइम पे जा नमाज को फिर से निकाल लेंगे, खोल के बाहर देख लेते हैं। ये देखो माशाल्लाह, ठंडक वाला मौसम। आज ना खाना नहीं बनाना है ना किचन में, तो ऐसा लग रहा है कुछ काम ही नहीं है, क्योंकि कल मैंने ना अरबी गोश्त बनाया था, तो साथ ने कल क्या करा, मैगी वगैरह खा लिया, दूध पी लिया, तो उसका पेट भर गया। दोपहर में भी उसने ऐसा कुछ खा लिया था, खिचड़ा वगैरह, तो अभी उसने नहीं खाया, तो खाना ना ऐसे की ऐसी रखा हुआ है। तो अब मैं सोच रही हूँ सिर्फ चावल बॉईल कर लूँगी, तो फिर खाना हो जाएगा, लेकिन मुझे ऐसा लग रहा है कुछ काम ही नहीं है। जिस दिन किचन में कुछ काम नहीं होता ना, तो एकदम फ्री फ्री सा लगता है। रात के 11 बज गए, और खाना वाना खा के तो मैं काफ़ी देर से ही फ्री हो गई थी, तो सोहेल से बात कर रही थी, साथ से बात कर रही थी, साथ का टेस्ट है कल, तो उसको पढ़ाया था, उसको रिविज़न वगैरह कराना होता है, तो वो भी करा दिया था। और मैं ना बस यही चीज़ कहना चाह रही थी फ्रेंड, कि मैं ना पिछले एक हफ्ते में मैं 3-4 लोगों से बात कर रही हूँ, जो भी रिश्तेदार हैं, चाहे दूर के हो पास के हो, मैं फ़ोन के ज़रिए उनसे बात कर रही हूँ,
वो तीनों ही लोग किसी न किसी प्रॉब्लम से गुजर रहे हैं, कोई भी उनकी परेशानी गुजर रही है, दुआ करना अल्लाह उनकी परेशानी को दूर करे। तो फिर जब उन लोग की परेशानी सुनती हूँ तो मैं सोचती हूँ अल्लाह मेरी परेशानी तो कुछ भी नहीं है इन लोग के आगे, क्योंकि जब तक हम किसी सामने वाले की बड़ी परेशानी नहीं सुनते ना तो अपनी परेशानी भी छोटी लगने लगती है, नहीं तो फिर अपनी परेशानी बहुत बड़ी लगती है कि अल्लाह हम ये तकलीफ से ये प्रॉब्लम है ये। और मैं पिछले काफ़ी टाइम से, पिछले एक डेढ़ महीने से मैं काफ़ी परेशान चल रही हूँ, बस थोड़ी डिस्टर्ब चल रही हूँ, साथ को खुजली बच रही है, सब खुजा रहा है, मैं काफ़ी परेशान चल रही हूँ, डिस्टर्ब चल रही हूँ, पता नहीं ऐसी माइंड में पता नहीं क्या 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 चीज़ चल रही है। लेकिन कुछ सब्सक्राइबर्स होते हैं ना जो जेन्युइन सब्सक्राइबर होते हैं, जो हमसे प्यार करते हैं, हमारे ब्लॉग देखते हैं, हमको सपोर्ट करते हैं, अपनी बातों से मोटिवेट करते हैं, तो वो मुझे बताते हैं अब खुश रहा करो, सब अच्छा हो जाएगा, वक्त है कट जाएगा। और बाकी मैं ये चीज़ अब मैं बहुत देर में सोची हूँ कि ये वक्त गुजर जाएगा लेकिन दोबारा भी नहीं आएगा, जो ये उम्र ये वक्त ये सब चीज़ें हैं, तो हमें हर चीज़ को इतना अपने ऊपर हावी नहीं कर लेना चाहिए कि हम उस चीज़ से निकल ही नहीं पाए। कोई भी प्रॉब्लम इतनी बड़ी नहीं होती है कि जो हम झेल नहीं सकते, हम निकल नहीं सकते, निकल सकते हैं और बस थोड़ा सा अपने आप को शांत करने का ही करना होता है। सब परेशानी सब दौर ये वक्त निकल जाएगा, मेहनत को ज़िंदगी और करनी है। कोई भी इंसान अपनी लाइफ में खुश नहीं है, किसी न किसी प्रॉब्लम से इंसान जूझ ही रहा है, किसी को कुछ न तकलीफ है, किसी को कुछ तकलीफ है, मतलब कुछ ना कुछ है। कोई भी इंसान जब सो रहा है ना तो मुझे नहीं लग रहा फ्रेंड के इंसान सुकून से सो रहा होगा। जो इंसान इतना पैसे वाला होता है ना वो उसको दूसरे दिन और ज़्यादा कमाने की लगती है कि मुझे मेरी कल ये मीटिंग है, मेरे हाथ से ये प्रोजेक्ट नहीं निकल जाए, मेरा मुझे प्रेजेंटेशन करना है अपनी मीटिंग का, तो बहुत सारी तकलीफ होती है। और हम लोग अपनी छोटी छोटी परेशानी को लेकर, मैं तो बहुत जल्दी रो जाती हूँ और मैं परेशान वैसे परेशान नहीं हूँ, मैं परेशान इसलिए हूँ क्योंकि ये हालात ये वक्त ये अकेलापन मुझे खाया जा रहा है अंदर ही अंदर, मैं अंदर ही अंदर टूटती जा रही हूँ फ्रेंड। मैं कहाँ बोलने वाली, हंसने वाली, घूमने फिरने वाली, और अचानक से मेरी लाइफ एकदम से ऐसी हो जाए कि बस क्या ही बताऊँ आपको मैं, तो इसलिए मैं अंदर ही अंदर टूट रही हूँ। बाकी अल्लाह का शुक्र है, अल्लाह अच्छा खिला रहा है, अल्लाह अच्छा पिना रहा है, लेकिन घबराना नहीं चाहिए, खुश रहना चाहिए, क्योंकि ज़िंदगी बहुत जल्दी बीत रही है, हम बहुत जल्दी बुढ़े हो रहे हैं, बहुत जल्दी जवानी जा रही है, बहुत जल्दी मौत की तरफ जा रहे हैं, तो खुश रहना चाहिए फ्रेंड, बस यही मैं आपसे कहना चाहूँगी। आप लोग मुझसे हमेशा कहते रहते हो साथ को, कभी यहाँ खुजली मच रही, कभी वहाँ खुजली मच रही है, आप लोग मुझसे कहते रहते हो, मेरे को हिम्मत देते रहते हो, और आज मैं आपको हिम्मत दे रही हूँ, आप खुश रहो, ये वक्त है। घर सबके घर में कुछ ना कुछ प्रॉब्लम चल रही है, जब हम दूसरे का घर की परेशानी सुनते हैं तब हमें लगता है अरे यार हमारी परेशानी उसके आगे कुछ भी नहीं है, तो बाकी मैं खुश रहो, अभी मैं भी पॉजिटिव ही सोचूंगी और खुशी खुशी ये 4-5 महीने जब तक अल्लाह ने मुझे आगरा में रखा है मैं खुश रहने की कोशिश करूंगी कि अल्लाह ये वक्त जो है हंसते खेलते ऐसी खुशी खुशी गुजर जाए। बाकी तो यही है बस फ्रेंड, सबके घर में बाकी में कुछ ना कोई तकलीफ से इंसान गुजर ही रहा होता है, क्या ही बोलूँ। और साथ का बस आज का दिन ना बहुत लंबा गया मेरी जिंदगी ना साथ, हम लोग सुबह भी बहुत जल्दी उठ गए, दोपहर में भी कुछ काम करके फ्री हो गई, शाम में कुछ इनमें कुछ खाना नहीं पकाना था तो ऐसा लग रहा था कुछ काम ही नहीं है, तो बस। और अच्छा हाँ, मेरी अम्मी मैं ये जब भी पूरा फुल काला ब्लैक सूट पहनती हूँ ना, ब्लैक दुपट्टा ब्लैक ड्रेस ही सब पूरा ब्लैक पहनती हूँ, तो उस दिन अम्मी मुझसे बोलती है कि तू ना काला मत पहना कर बरसात में, काला मत पहना कर बिजली गिर जाती है, ये गिर जाती है। पर मुझे, मैं सब बातों पर भरोसा विश्वास या भरोसा नहीं करती हूँ, बिजली गिरती है क्योंकि मैं न्यूज़ में भी सुनती रहती हूँ कि यहाँ बिजली गिर रही है, पर मुझे लगता है सांप पे गिरती है, भैंस पे गिरती है और किसी काली चीज़ पे गिर जाती है, लेकिन मैं ऐसे इंसानों पे काले कपड़े पहनने पे तो नहीं सुनी हूँ, क्योंकि जो छाते भी इंसान काले यूज़ करता है, बुरखा भी इंसान ज़्यादातर अब आ गए कलर में बुरखे, ज़्यादातर काला ही पहनता है इंसान हिजाब, तो मैं बोलती हूँ अगर ऐसा रहेगा तो हम लोग तो काला बुरखा पहन के घूमते बाजार में रातों में, मुंबई में तो कितनी बरसात होती है, रात में निकल जाते हैं 2 बजे 1:30 बजे बारिश हो रही है ये वो, पता नहीं फ्रेंड आप बताना कि सच है कि बरसात में काले कपड़े नहीं पहनने चाहिए, ये सिर्फ एक अफवाह है, आप मुझे कमेंट करना, क्योंकि मेरी अम्मी मुझे बहुत बार टोक चुकी हैं काले कपड़े पहनने पे, जब भी पहनती हूँ फिर पहन ली तो ना काले कपड़े, और दिनों में इन टोकूंगी मेरे को बरसात में टोकती हैं, तो मुझे ये समझ में नहीं आ रहा कि ये सच है कि रियल है कि अफवाह है। बाकी मैं न्यूज़ देखती हूँ तो उसमें सांप भैंस इन पर तो सुनी हुई है कि हाँ बिजली गिर जाती है, घर पर गिर गई किसी की, लेकिन ऐसा काले कपड़े पहनने पर उस इंसान पर बिजली गिर जाती है, ऐसा मुझे कमेंट करना ताकि ये कमेंट पे अपनी अम्मी को बता सकूँ, अम्मी ऐसा सा है सही है क्या गलत है जो भी है, मुझे मैं तो बहुत कन्फ्यूज़ हूँ।
आप मुझे बताना, और जल्दी मिलूंगी नए ब्लॉग के साथ में। फ्रेंड छोटा सा ब्लॉग था, और अब मैं कोशिश करूंगी पॉजिटिव रहूं, खुश रहूं। बहुत रोना धोना हो गया, अब मेरे जो भी जितने भी दिन है मेरे आगरा के अंदर वो मैं खुशी खुशी गुजारूं। और आप भी खुश रहना, परेशानी आती आती रहती है, टेंशन नहीं लेना, हावी मत होने देना यहाँ पर। एक बार यहाँ पे टेंशन हावी हो गई ना फ्रेंड, तो इंसान ढल जाता है, मतलब डाउन हो जाता है। तो बस खुश रहो, प्यार बांटो, खुश रहिए, दुआ में याद रखना। जल्दी मिलूंगी नए ब्लॉग के साथ, अपना ख्याल रखना। साथ कभी यहाँ को जा रहा है, कहीं वहाँ को जा रहा है, कहीं वहाँ को जा रहा है, उसकी खुजली का राज पूछती हूँ मैं। जल्दी मिलूंगे नए ब्लॉग के साथ में। और मैं कभी कभी कहना भूल जाती हूँ कि मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दो, प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दिया करो। जो लोग टीवी पे देखते हैं ब्लॉग, वो भी अपने टीवी पे सब्सक्राइब कर सकते हैं। ऐसा नहीं आप टीवी पे ब्लॉग देखते हो तो सब्सक्राइब नहीं होता, सब्सक्राइब होता है। अगर आप नहीं देखोगे तो आने वाले वक्त में शायद मेरे ब्लॉग आप तक नहीं पहुँचेंगे। तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना। जल्दी मिलूंगे नए ब्लॉग के साथ में, अपना ख्याल रखना, दुआ में याद रखना। अल्लाह हाफिज़।